बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो टॉपिक डिस्कस करना है हमने वो है हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटन जैसे कि आपको पता है स्केलेटन होता है हमारे पास स्केलेटन इज़ आ हार्ट फ्रेमवर्क। दैट सपोर्ट एंड शेप द बॉडी। मतलब स्केलेटन हमारे पास वो हार्ड फ्रेमवर्क है जो बॉडी को शेप भी देता है, उसे सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो जो ये फ्रेमवर्क होता है ये हमारे पास किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स, बोन्स का बना हुआ होता है और साथ हमारे पास कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अब जो हमारे पास स्केलेटन है, जब हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं तो ह्यूमन स्केलेटन्स को हम डिवाइड करते हैं डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स में। एक है आपके पास एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छा जी, एक्सियल और अपेंडिकुलर, जैसा कि नेम से ही जाहिर हो रहा है, जो एक्सियल स्केलेटन है ये बॉडी में एक्सिस पे प्रेजेंट है और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन्स हैं ये अपेंडिजिस पे प्रेजेंट है। डायग्रामेटिकली अब हम इसे देख लेते हैं। चलें जरा ही मैं ये आपको रफ सा स्केच दिखा दिया है। अब अगर आप ये टांगे लेते हैं, ये फीट लेते हैं इसके, इस तरह से आप ये ले लें और ये आप हैंड लेते हो इसके लगा लें, चलें जी ये हमारे पास, चलें स्केलेटन में रफ सा स्केच आपको बता देती हूँ। तो जो आपके पास एक्सियल स्केलेटन है ना, वो स्केलेटन होगा जो आपके इस तरह बॉडी में एक्सिस पे प्रेजेंट है। सही है, ये है आपके पास एक्सियल, ये आपके पास है एक्सियल स्केलेटन। और जो आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन्स है, अपेंडिकुलर स्केलेटन्स ये वाला स्केलेटन है आपके पास, ये आप कह लो और ये आप कह लो, साथ इसके साथ फिर ये अटैच के अपेंडिजिस भी आ जाएंगी, ये वाली जो आपकी बॉडी से बाहर निकले हुए पार्ट्स हैं, जैसे आपके बाजू हैं या आपकी आर्म्स हैं, टांगे हैं, तो ये आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन्स में आ रहा है। और जो आपके पास के स्ट्रेट स्ट्रक्चर है जो आपके एक्सिस पे आ रहा है, वो है आपके पास एक्सियल स्केलेटन। सही है, ये तो आपको डायग्रामेटिकली पता चल गया कि हमारे पास एक्सियल स्केलेटन कौन सा है और अपेंडिकुलर कौन सा है। अब हम वन बाय वन इनके पार्ट्स देख लेते हैं कि हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एक्सियल स्केलेटन आपके पास आ फ्रेमवर्क प्रेजेंट एट एक्सिस ऑफ बॉडी। एक्सियल स्केलेटन में जो आपके पास पार्ट्स आएंगे वो दर्जेल हैं, इसमें आपके पास आ जाती है स्कल। सेकेंड आपके पास आ जाते हैं बॉडी में जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्री कह लें, वर्टिब्री आपके पास कहाँ प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है, ये आपके पास है स्कल की। आपकी बॉडी में जो है स्कल में आप क्रेनियम जिसे बोलते हो, खोपड़ी बोल देते हो, फिर आपके पास मुंह वाला पोर्शन आ जाता है, जैसे आप स्कल कहते हो तो ये स्कल में आपके पास ये खोपड़ी है, फिर ये आपका माउथ आ जाता है, ये सारा, तो इसमें जो बोन्स हैं वो आपके पास आ जाती है स्कल में। मोस्टली आप देखते हो क्रेनियम अगर आप लेते हो तो फिर डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट बोन्स हो सकती हैं। अभी हम जो है इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और फिर हम इनकी जो बोन्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। स्कल है, वर्टिब्रा है, फिर आपके पास जो है वो रिब्स आ जाती हैं। फोर एक्सियल स्केलेटन का जो आपके पास पार्ट है उसमें आपके पास आ जाता है स्टर्नम, रिब्स, साथ आपके क्या आ जाता है? स्टर्नम आ जाता है। ये थे आपके पास पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन्स के। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन्स में कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं। अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है वो जैसा कि नेम से ही जाहिर है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके पास अपेंडिजेस आएंगी। नंबर वन आपके पास आएगा पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल की जब आप बात करते हैं तो ये आपके कंधों वाला पोर्शन है, सही है, जहाँ पे आपके कंधे होते हैं। पेक्टोरल गिर्डल एंड
फोर लिम्स में आपके पास बाजू आ जाते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके पास पेक्टोरल गिर्डल कंधे वाला पोर्शन एंड फोर लिम्स आ जाते हैं। सेकंड आपके पास आ जाता है पेल्विक गिर्डल एंड हाइंड लिम्स। पेल्विक गिर्डल्स की जब आपने बात करनी है तो ये आपके जो है जो हाइंड लिम्स है लेग्स वाला पोर्शन है वो आपके पास कवर करेगा। इसमें आपके पास आ जाते हैं जो पेयर स्ट्रक्चर्स इसमें जो आपके पास आएंगे पेल्विक गिर्डल्स में, वो आपके पास कॉसिक्स बोन्स हैं, हाइंड लिम्स इसमें आ जाती हैं, सही है। तो ये भी अब हम वन बाय वन इनकी बोन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये था आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन्स। फोर लिम्स में आपके पास बाजू आते हैं, हाइंड लिम्स में आपके पास टांगे आती हैं, सही है। ये वो स्ट्रक्चर है जो आपकी बॉडी के निचले पार्ट्स वालों को सपोर्ट करता है।